हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। सब अपने घर अच्छे से होंगे, कुशल मंगल होंगे। ये ट्रक मैंने किरतिन का जोड़ा था फेविक्विक से, लेकिन ये मुझसे गलत जुड़ और ये गया। मुझसे जुड़ गया गलत, है ना कितन? इसको फिर से मैं तो नुआ ना, इसका करना पड़ेगा कुछ इलाज। इसको गिरा दूं मैं, नीचे गिरा दूं फोल्डिंग से, नीचे ये टूट जाएगा। ओते, अब हम इसको गिराने वाले हैं। अब मुझे काटने डोल के बाल, जिगे की डोल के बाल हो गए हैं बड़े। ये बहुत अपने बालों की केयर करती हैं, ये बड़े हो गए हैं। ये नहाती तो है नहीं, ये देखो कैसे मुंह हो रहे हैं इनके। नहीं था मैंने दिवाली पे ही में। अब मैं जिगे की गुड़िया के बाल काट रही हूँ। जिगे का बहुत मन था मम्मी मेरी गुड़ियों के बाल कट जाने चाहिए। ये देखो कट गए हैं गुड़ियों के बाल दोनों के। ये तो गंजी होने वाली है, इसके सिर पे तो बाल ही नहीं रहे हैं। देखो ये बन गए हैं किसके बाल? जिगे बुढ़िया के बाल। अभी अभी आई थी बुआ जी और जा रही है। सही है, बना लूंगी। आप भी जा रहे हो क्या बुआ जी के साथ? बुआ जी नमस्ते, बेटे नमस्ते कर लो। आज अचानक ही बुआ जी ने आकर हमें सरप्राइज दे दिया। बुआ जी के पैर में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, पैर में कुछ सूजन वगैरह हो गई थी, तो उन्हें डॉक्टर को दिखाना था। वो यहाँ पर आई थी तो उन्होंने सोचा कि बच्चों के पास भी होती चलूँ, और हमें पता ही नहीं था। तो जब जा रही थी तब मैंने पूछा कि बुआ जी मैं वीडियो बना लेती हूँ, बोले ठीक है बना लो। और अभी चली गई थी बुआ जी, और इन्हें भी बुआ जी के साथ किसी काम से बाहर जाना था। अब दिखा रही थी जिज्ञा अपनी ड्राइंग बुक कि मम्मी मेरी ड्राइंग बुक की वीडियो बना लो और सबके साथ शेयर कर दो। लॉकडाउन में पढ़ाई तो ठीक से चली नहीं, ऑनलाइन ही क्लासेस चली हैं, तो जिज्ञा काफी फ्री हो जाती थी, तो तब जिज्ञा अपनी ड्राइंग बुक में ड्राइंग बना लेती थी। ये काफी दिन से बनाती रहती है वो, और बहुत सारी बुकें उसने भर दी है, ड्राइंग बुक मंगाती रहती है अपने पापा से। और ये जिज्ञा ने बनाया था बर्थडे केक और गर्ल। इधर 14 सितंबर को जिज्ञा ने हिंदी दिवस के लिए हैंड प्रिंट कर और उसमें कलर कर दिया था। ये साइकिल बनाई थी, इसमें मैंने जिज्ञा की हेल्प की थी। मैं कहा जिज्ञा ऐसे बनाओ, सिखाया था मैंने उसको। इधर जिज्ञा ने, जब जिज्ञा की ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं कंप्यूटर पर, तो जिज्ञा को कंप्यूटर का अंदाजा हो गया था कि मम्मी कंप्यूटर ऐसा होता है। उसको देख देख के जिज्ञा ने यहाँ पर कंप्यूटर बना दिया था। ये सब बता रही मम्मी ये है, और ये अर्थ बना दी थी जिज्ञा ने। यहाँ पर टेबल टेनिस तो बता रही थी मम्मी ये है ये है। हाँ टेबल टेनिस नहीं, कैच कैच, ये कैच कैच गेम होता है बच्चों का, इसमें बॉल को इधर से उधर पकड़ते हैं, तो जिगे कैच कैच ही बोलती है। जिगे ने ये बनाया रिपब्लिक डे पर। ये वाली जय हिंद कर लिया, और जिनमें झंडा बनाया जिगे ने महल है, हाँ महल है। जिगे ने बनाया है महल। जिगे रानी दिख रही है कहीं महल में, ये राजा कोई दिख रहा है? अंदर सो रहे हैं। जिज्ञा ने बनाई अर्थ, है ना जी के अर्थ हाँ, है हाँ, ये रॉकेट रोटे जा रहा है मून पे, और भारत ने अपना तिरंगा फहराया है मून पे। हाँ मून पे जा रहा है रॉकेट, और वहां पर फहराएगा अपना तिरंगा। और ये रे एस्ट्रोनॉट ड्रोन भी है इसमें। इधर क्या है जी की? क्या कीर्तिन है? हाँ ये मम्मी है, ये जिज्ञा है। मम्मी ने जिज्ञा का हाथ पकड़ रखा है, और कीर्तिन जा रहा है नीचे पे बैठने। हैप्पी दीपावली पर दिया, ये दिया बनाया मैंने करी थी ड्राइंग। हाँ ये डायरेक्ट ब्रश से काम करा था जिज्ञा ने, डायरेक्ट ब्रश से क्या था पहले बनाते रखी है। ये है जिज्ञा की लाइब्रेरी। ये क्या है जिज्ञा? ये वो है, और ये दल है, और ये सांप है, ये उनकी बीम है, ये चिड़िया से बोल रही है ती। बीम बीम क्या मतलब? बीम अच्छा बांसुरी, बांसुरी। हाँ बांसुरी। ये हाय बोल रही है, हाय। ये भी बोल रही है हाय। ये बनाया मैंने अम्ब्रेला। अम्ब्रेला इधर नेशनल फ्लैग, ये है नेशनल फ्लैग, और ये है बच्चे, ये एरोप्लेन उड़ रहे हैं हवा में आसमान में। ये बनाया जिज्ञा ने महल। यहाँ पर सबके रूम अलग अलग हैं। ये बुक पेंसिल इरेजर, ये बनाई मरियम, जो सी में होती है समुद्र में होती है वो मरियम है। ये मरियम बोल,
ये बनाया जिज्ञा ने मम्मी के और अपने कपड़ों के पिक्चर कि मम्मी ऐसे ऐसे कपड़े बनाना। ये राजा है और रानी है, कोराना हारा भारत जीता, वंदे मातरम, जय हिंद। ये सीनरी बनाई जिज्ञा ने, इसमें मैंने हेल्प करी है, ये जिज्ञा ने ही बनाई है खुद से। और ये बनाया पैरट। शाम के खाने की तैयारी मैंने कर ली थी, आज बना रही हूँ मैं पनीर की सब्जी, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। इसके लिए मैंने 3 टमाटर काट लिए हैं और लहसुन की 2 कलियाँ और 1 हरी मिर्च। पनीर के भी मैंने छोटे छोटे पीस कट कर लिए थे। और कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया था और थोड़ी सी एक प्याज काट ली थी मैंने, एक छोटी सी। तेल गरम हो गया है, इसमें मैंने जीरा डाल दिया है। जीरा अच्छे से भुन गया था तो मैंने इसमें प्याज डाल दी है। प्याज अच्छे से भून रही थी मैं, और प्याज अच्छे से भुन गई थी तो मैंने ये टमाटर जो कट करके रखे थे ये डाल दिए हैं इसमें। टमाटर डालने के थोड़ी देर बाद मैंने इसमें नमक डाल दी थी जिससे कि टमाटर और प्याज अच्छे से गल जाएं। नमक डालकर अच्छे से टमाटर प्याज गल जाते हैं और ग्रेवी अच्छी सी बन जाती है। टमाटर प्याज को पीसना भी नहीं पड़ता है। इसमें मैंने डाल दी 1 चुटकी हींग, हल्दी, ग्रेवी देखो कितनी अच्छी सी बन रही है, और इसमें और एक इसमें चम्मच एक धनिया चम्मच धनिया पाउडर। पाउडर। अब मैंने दूध से मलाई उतार ली थी और उसको मैं आपको दिखा रही थी, ये दूध की मलाई मैंने उतार ली है और उसमें 1 चम्मच मैं मलाई डाल देती हूँ जिससे कि ग्रेवी और अच्छी लगे और पनीर का टेस्ट भी बढ़ जाए। और इसको अच्छे से मिला लूंगी इसमें ग्रेवी में मलाई को। ग्रेवी में अच्छे से मलाई मिल गई है, देखो कितनी अच्छी सी ग्रेवी बन गई है। इसमें मैं 1 कटोरी पानी डाल रही हूँ, ये कटोरी मेरी मलाई वाली है उसी से मैंने 1 कटोरी पानी डाल दिया है। ये देखो कितनी अच्छी सी बन गई है, अब इसको बॉइल्ड होने देती हूँ। अब ये पनीर के पीस जो मैंने कट कर लिए थे, ग्रेवी अच्छे से बॉइल्ड हो गई थी, इसमें मैं डाल देती हूँ पीस। पनीर के पीस मैंने छोटे छोटे कट किए हैं। पनीर भी घर के ही दूध का निकला हुआ है ये। पनीर डालने के बाद इसमें अच्छे से बॉइल्ड आ गया था ये देखो। इसमें मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच गरम मसाला। पनीर बिल्कुल सिंपल तरीके से बना है, लेकिन इसमें हमने ग्रेवी को इसको पीसा भी नहीं था और पनीर भी हमारा काफी अच्छा बन गया है। इसमें एक चीज का ही ज्यादा ध्यान रखना है कि टमाटर के पीस या तो छोटे छोटे कट कर ले, और जब उनको कढ़ाई में बॉइल डालेंगे हम, उनको फ्राई करेंगे तो उसमें नमक जरूर डाल दें जिससे कि वो अच्छे से गल जाए। ये देखो कितना अच्छा पनीर बना है हमारा। आप भी इस तरीके से पनीर ट्राई कर सकते हैं, इसमें टाइम भी कम लगता है, ग्रेवी बनाने में थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। ये देखो कितना अच्छा पनीर बना है हमारा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करके बताना कि आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं। जो चैनल पे नया है प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलेंगे अच्छे से ब्लॉग के साथ, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।